मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरी गल्लां श्रृंखला में ये मेरे ख्याल 27वां एपिसोड होगा। कुछ मित्रों ने मुझसे पूछा था कि मैं इस तरफ कैसे आया। मैं फिल्म इंडस्ट्री में था, ये धीरे धीरे बदलाव आया या अचानक आया, या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी, कैसे आप इस लाइन में आ गए, अध्यात्म में आ गए, मतलब बिल्कुल कायाकल्प ही हो गया, कहाँ फिल्म लाइन और कहाँ ये अध्यात्म का मामला। मैं कुछ तो जवाब देता रहा अक्सर लोगों को, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मेरा भाग्य था, मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा बोया था, तप किया था, उसका जब समय आया, अंकुरित हुआ तो मेरी दिशा बदली, और दिशा के साथ फिर दशा बदल जाती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये तो एक थंब रूल है। लेकिन जो घटनाक्रम था, अब घर में माहौल था, माँ धार्मिक थी और माँ के जपने से, शायद मैंने इसका जिक्र किया हुआ इस एपिसोड में, किसी एपिसोड में किया हुआ मैंने, कि जो माँ का जपना है बच्चे के कंसीव होने से लेके या उससे पहले भी, और जब बच्चा पेट में है तब जपना और सुनना, ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी माँ का जपना, वो मैं घटनाएं शेयर कर चुका हूँ मेरे ख्याल बहुत पहले। तो मेरी माँ ने एक तो प्रार्थना की, मन्नत मानी और बहुत पाठ जाप किया तो मेरा जन्म हुआ उनके घर में। फिर वो जपती रही जब मैं कोख में भी था, फिर मेरा जन्म हुआ, फिर घर का एक माहौल धार्मिक था, माँ का, पिता की तरफ से नहीं, माँ की तरफ से और ननियाल की तरफ से, तो एक जबल एटमोसफियर था जिसका मेरे ऊपर असर था। तो वो संस्कार बड़ा रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो निश्चित रूप से संगत का असर चढ़ता है, तो संगत का असर हुआ मेरे ऊपर भी, मैं बिगड़ गया, मद्रापान करने लग गया, नॉनवेज भी खाने लग गया। चलो माफी मांगता था ईश्वर से मैं रोज, माफी मांग के पीता था और माफी मांग के नॉनवेज खाता था, और यहां तक कि वो जो मुर्गी है या बकरा है तो उसके लिए प्रार्थना भी करने लगता था कि बापू इसका उद्धार कर देना, इसका भला करना, जिसका शरीर, जिसका मांस मेरा आहार बन रहा, ऐसा कुछ करता रहता था। तो ये कहीं ना कहीं भावना तो थी, थोड़ा बहुत पाठ भी करता लेकिन वो खास नहीं करता था, बस वही इंडस्ट्री में बिजी था, पार्टियां, खाना पीना, ड्रिंक करना। बीच में मेरे कुछ रिलेशन भी हुए, कुछ बहक गया था, भटक गया था, हर्ट हो गया था, गुमराह हो गया था, वो भी कुछ दौर थोड़ा सा चला मेरे जीवन में। लेकिन मैं ईश्वर के साथ लड़ता रहता था जैसे तमाम लोग लड़ते रहते हैं। अभी इन बात क्यों शेयर कर रहा हूं, ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि लड़ा मत करो भाई उस ईश्वर से लड़ा मत करो भाई। वैसे तो मैं रजा की बात कर चुका हूं, रजा में राजी रहना, उसका धन्यवाद करना, ये सारे एपिसोड आ चुके हैं। लेकिन मेरे अपने जीवन में मुझे अवार्ड भी मिले, गोल्ड मेडल भी मिला, और स्टेज पे भी मुझे बहुत अच्छा एक्टर माना गया और लोहा माना गया, बुनियाद से लेके आगे अकेला फिल्म में, और जो मैंने कुछ रोल्स किए मौलाना आजाद, तो बहुत मुझे अच्छा एक्टर माना जाने लग गया, बहुत तारीफ हुई। और तो मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मुझे अच्छा रोल जो मैं चाहता था नहीं मिल पा रहा था, बड़ा रोल, अच्छा रोल। मेरी ईश्वर से लड़ाई ये थी कि आपने मुझे टैलेंट दिया, आप सब लोग तारीफ करते हैं कि आवाज बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, वर्सटैलिटी बहुत अच्छी है आदमी के पास, इंटेंसिटी है, सेंसिटिविटी है, सब कुछ है, कमाल का एक्टर है। और बड़ा चर्चा था कि एक एक्टर आगे बॉम्बे में नया, ये कमाल करेगा, आप देखिए, बड़ी संभावनाएं थी मेरे आने के बाद, ऐसा लोग मुझे बताते हैं। तो अगर मुझे कोई बड़ा रोल मिलता था तो फिल्म फ्लॉप हो जाती थी, अगर कोई फिल्म हिट हो तो उसमें रोल छोटा होता था। तो अब जब रोल जिनमें मुझे बड़ा मिला वो फिल्में फ्लॉप होने लग गई, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये अनलकी है, ये मनहूस है, ये जिस भी फिल्म में होता है तो समझ लो फिल्म फ्लॉप होगी। तो ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हुई, सिर्फ खून भरी मांग, जख्मी औरत,
लाल और शायद एक और फिल्म मुझे याद नहीं, वो हिट हुई होंगी, बाकी सब फ्लॉप होगी। युगांधर फ्लॉप थी, विश्वात्मा भी इतनी नहीं चली, कुछ खास नहीं चली, फ्लॉप ही हो गई। जिंदगी की जुआ, आजाद देश के गुलाम, एक दलाल हिट हुई थी, और दूसरी और स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ, प्यार का देवता, तमाम ऐसे फिल्में हैं, अम्बा नहीं चली। तो मैं दारू पीता था फ्रस्ट्रेशन में, जैसे तमाम लोग पीने लगते हैं, तो दारू पीता था और पी के जैसे मैं निकला किसी पार्टी से तो हाईवे पर मैं गाड़ी रोक देता था, हाईवे पर गाड़ी रोक के वही सेंटाक्रूज में, सेंटाक्रूज वेस्ट में रहता था मैं, कलीना में, बकोला में, तो एयरपोर्ट की तरफ से मैं आता था, तो वहां हाईवे पे गाड़ी रोक के, तो मुझे ऐसा लगता था कि ईश्वर से बात करने के लिए तो कोई खुली जगह चाहिए भाई, मतलब छोटी जगह में से कैसे बात करेंगे, बहुत बड़ा है वो। तो मैं रात का टाइम, मतलब 12 बजे होंगे, 12:30 बजे होंगे, पार्टी से लेट ही आते थे, 1 बजे आ रहे हैं, तो वहां रुका और गाड़ी स्टार्ट है और रुक के ऊपर को खड़े होके ईश्वर को गालियां देनी शुरू कर दी मतलब गालियां भी कोई रियायत नहीं करता था मैं, भयंकर, माँ की बहन की, और मतलब जैसे किसी से आप लड़ते हैं गली मोहल्ले में, निकल बाहर, आ मेरे सामने तेरी माँ की, तेरी बहन की, चल मुझे मालूम है तू भगवान है, चल मुझे भस्म कर, खत्म कर, मुझे मुझे नहीं जिंदा रहना है, तूने मुझे सब कुछ दिया, टैलेंट दिया, आवाज दी, पर्सनैलिटी दी, सेंसिटिविटी दी, वर्सटैलिटी दी, सब दिया मुझे, इमोशन दिए, लेकिन मुझे तू मौका क्यों नहीं देता, मैं रास्ता क्यों बंद करता है, निकल बाहर भगवान, किधर है तू। मैं तो ऐसे करता था, अगर वहां की रात को, वैसे तो अगर कोई गाड़ी निकल उन्होंने ट्रैफिक नहीं होता था तो, और किसी को दूर दूर तक सब खाली था, एयरपोर्ट था उधर, वही जगह मैं चुनता था, तो खूब अपना हल्का होके कभी रो लिया और उसके बाद गाड़ी में बैठ गया और चला गया, जाके सो गया। ऐसा मैंने कई बार किया, और कभी अपने घर में ही लड़ लिया बापू से, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप उससे बात करेंगे तो बेशक आप उसकी तारीफ करें, उसको गाली दें या उसकी आलोचना करें, वो सुनता रहता है, लेकिन वो मेरे रास्ते बंद करता रहा। जो कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, और लोग मानते नहीं है कि ये कैसे अच्छा कर सकता है, ये इसमें क्या अच्छा होगा भाई। मैं अपनी जीवनी भी आपसे शेयर करूंगा, माई ऑटोबायोग्राफी, जिसमें मैंने कहा था एक बार कि स्क्रीन प्ले ऑफ माई डेस्टिनी। अब देखिएगा कि जो जो भयंकर था मेरे जीवन में वो कैसे अच्छा था तो वो जो करता है अच्छा ही करता है, लेकिन हम मूर्ख हैं, बेवकूफ है, लेकिन क्योंकि परमपिता है और दया का सागर है, बुरा नहीं मानता है। तो अब मैं पता नहीं कितनी देर तक ये करते करते, काफी सारी फिल्में फ्लॉप हुई, तो मैं सीरियल द्वारा करने लगा, सीरियल्स काफी मुझे मिलने लग गए, उसमें मुझे सेंटर रोल मिलते थे, मेन रोल मिलते थे, लेकिन मैं फिल्में करना चाहता था, उनमें बड़े रोल करना चाहता था, बहुत बड़ा स्टार बनना चाहता था, जैसे बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं अपने जीवन में। तो मेरी लड़ाई चलती रहती थी, खूब लड़ता था मैं, तो मुझे कोई जवाब नहीं, मेरे रास्ते बंद करता था, बंद करता था, नो एग्जिट, नो एग्जिट, नो एग्जिट। एक बार मेरी वाइफ से भी बात हुई बाद में, लॉन्ग मूवर एक मूवी हमने देखी थी, तो कहने लगी कि यू मस्ट बी फीलिंग लाइक दिस, तो मैंने कहा नो एग्जिट, बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद। अब ऐसे बंद करते 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 तो मैंने खूब पांव पटके भाई, खूब रोया, बिलखा, गालियां दी, झगड़े किए ईश्वर से, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया मुझे, बस बंद बंद बंद। तो बंद करते 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 तो जैसे आप जा रहे हैं तो ये भी बंद, तो अभी ये भी बंद, इधर गए ये भी बंद, इधर गए ये भी बंद, ऐसे करते 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 यू टर्न लगा दी मेरी वापस, ये जिस पे मैं अभी चल रहा हूं, यू टर्न लगा दी। तो जब मेरी यू टर्न लगा दी, खालसा इतिहास में मैंने काम करना शुरू किया, और उसके बाद में, मेरा ख्याल उसके बाद की बात है ये, जब मैंने गोल्डन टेम्पल की फिल्म बनानी शुरू की और मुझे आनंद आने लग गया, तब बोला, क्या बताऊं तब बोला तब कहने लगा बापू, कहने लगा आप बता वो ठीक था ये ठीक है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
वाहेगुरु 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 बता वो ठीक था कि ये ठीक है। तो मैं लंबा लेट गया और आज तक मैं लंबा ही लेटता हूं कि नहीं बापू तो सही था, मैं गलत था, मुझे माफ कर दे बापू। तो मैं ऐसा रोता रहा, मुझे माफ कर दे। इसका बापू इसका और उसका क्या मुकाबला है? इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है बापू, इस रास्ते का तो कोई मुकाबला ही नहीं है बापू। पता नहीं कितने लोग आए, कितने सुपरस्टार आए, कितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स आए, सब मर गए, चले गए संसार से, कोई नहीं पूछता कितने कितने बड़े बादशाह आए। लेकिन बापू ये रास्ता जो तूने मुझे दिखाया और मैं तुझे गालियां देता रहा, मैं अपने सिर पटकता रहा, पैर पटकता रहा, तुझे कोसता रहा, लेकिन तूने बड़ा नहीं माना, क्योंकि तुझे मालूम था कि तूने मेरे लिए क्या छुपा के रखा हुआ, क्या बचा के रखा हुआ है, क्या सजोया हुआ है। ये तो एंडलेस है बापू, अंतहीन है, ये अल्टीमेट रास्ता है बापू। मैं तो ये सूझ देने के लिए भी तेरा ऋणी हूं, जन्मों जन्मों तक मेरा रोम रोम तेरा ऋणी है बापू, कि तूने मुझे ये सूझ ये समझ दी कि बेटा ये अल्टीमेट रास्ता है, इससे बड़ा इससे पवित्र और कुछ है ही नहीं, इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है, इससे ऊंचा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं अंधा मूर्ख, अगर तू कृपा ना करता बापू तो मैं तो अंधेरे में जीता, अय्याशियां करता, कुछ पैसे कमा लेता, फिर मैं और कर लेता, बड़ा स्टार बन जाता, अंधेरे में जीता, अंधेरे में मर जाता बापू। फिर पता नहीं कब मैं बिछड़ा हुआ था, कब मुझे तेरा पल्ला मिलता, कब मुझे तेरा दामन मिलता, कब तेरे दर का रास्ता मिलता बापू। तुमने बड़ी दया की, तुमने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर बापू। जैसे एक बच्चा आग से खेलना चाहता है लेकिन बापू उसको पकड़ लेता, उसका रास्ता रोकता, वो रोने लगता, बिल लग जाता, मुझे ऐसे विजुअल्स याद आते रहे कि बापू ने तो मुझे बचाया, जगह जगह मुझे बचाया कि जल जाएगा, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा तू, लेकिन वो तो जाना चाहता है, लेकिन बापू बुरा नहीं मानता, उसका मालूम है वो भला चाहता है। तो ऐसे बापू ने ब्लॉक 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 कर करके मुझे घुमाया अपने स्टाइल से। उसका तो स्टाइल अजब स्टाइल है, गजब स्टाइल है उसका, तो उसके जैसा तो किसी का स्टाइल नहीं है, उसके तरीके अपने गजब गजब तरीके है बापू के। तो जब मुझे यू टर्न लगाया और मैंने देखा, ओ माय गॉड, जो उसकी मतलब लिमिटलेसनेस है, असीमित है वो, उसमें जो संभावनाएं हैं उनको देख के मैं दंग रह गया और लेट गया और माफी मांगता रहा, आज तक माफी मांगता रहता हूं। सुबह उठ के बिस्तर पर ही माफी मांगने लगता हूं, उसका जिक्र मैंने एक एपिसोड में किया था, नागरे उड़ के माफी मांगता हूं, फिर दरबार साहब में जाकर माफी मांगता हूं, फिर बाहर खड़ा होकर माफी मांगता हूं। मैं माफी आज तक मांगता रहता हूं कि बापू मैंने आपको बहुत गालियां दी और आप मेरे लिए इतनी नायाब अनमोल वस्तु लेके बैठे थे, ऐसा रास्ता लेके बैठे थे, तैयार किए बैठे थे, और मैं ऐसा मूर्ख अंधा नालायक, मुझे मालूम नहीं था। तो इस तरह से मैं आया, इस तरह से बापू ने मुझे ऐसे मोड़ा 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 और फिर कहा बोल अब बता। तो अब तक ये मेरा चल रहा है, हमें कमियां हैं, वो तो उसमें तो कोई कमी है नहीं, फ्लॉलेस है बापू, परिपूर्ण है, लेकिन हम में कमियां हैं, कभी डगमगा जाते हैं क्योंकि फिर प्रारब्ध अपना रोल प्ले करती है, कर्म और भाग्य अपना रोल प्ले करते हैं। वो तो तटस्थ है, उसने बुरा माना होता तो पता नहीं क्या करता, चल जा डूब जा और मैं खुश होता कि ये फिल्म मिल गई, वो फिल्म मिल गई। जैसे मैं फिर सोचता होता हूं कि जिसको बहुत धन दे देता है उसको मालूम ही नहीं उसने खो क्या दिया। उसको मालूम ही नहीं है, जिसको बहुत सारी कामयाबी दे देता है, बहुत सारा धन दे देता है, सत्ता दे देता है, उसको मालूम ही नहीं है कि ईश्वर ने सब कुछ दे के तुझसे क्या छीन लिया। मूर्ख, असली चीज तेरे हाथ से चली गई क्योंकि तू उसी में उलझा रहेगा। तो मुझे बचाया और असली चीज दी,
अपना नाम दिया, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, एक बार मुझे बापू ने कैसे बताया था, उसका मैं एपिसोड डाल चुका हूं। तो इस तरह से मैं आया, तो वो यू टर्न बापू ने मेरा लगाया और फिर धीरे धीरे वो सूझ आती गई, फिर जाग लगती गई। तो जैसे मैंने जिक्र किया था कि आप गर्मी में से निकल के जब पहाड़ पे जाना है, आपने कुफरी में जाना है, तो धीरे धीरे जैसे चढ़ेंगे तो आनंद आने लगता है, मौसम बदलने लगता है, रिस्क बढ़ता जाता है, स्पीड घटती जाती है। तो ऐसे ही अध्यात्म का रास्ता है, तो धीरे 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 लगे रहे और आनंद बनने लग गया। अब आनंद बना हुआ है, बहुत आनंद बना हुआ, बापू की बड़ी कृपा है और उसके प्यारे दूर दूर से मिल जाते हैं, उनको कनेक्ट करवा देता है और लोगों का भला भी होता रहता है, तो बड़ी कृपा है। और अब आगे उसने जहां भी ले जाना होगा, क्योंकि रास्ता तो उसने दे दिया और चला भी रहा है, और अब जब समय आ जाएगा तो अपने गले भी लगा लेगा, अपना रूप भी बख्श देगा, क्योंकि मंजिल तो वो है, डेस्टिनेशन तो वो है, हरि का रूप हो जाना। ये जो आवागमन है, 84 का जो चक्र है, कुचक्र है, इससे बाहर हो जाना, मोक्ष पाके उससे आगे जाके हरि का रूप हो जाना, ये जीवन का लक्ष्य है। मेरा भी ईश्वर ने मुझे वो सुझा दिया, तो लक्ष्य वही हो गया, अभी बाकी और कोई लक्ष्य है ही नहीं। तो ये सारे टूल्स हैं, सत्यवादी होना, सदाचारी होना, लोगों का भला करना, दया करना, गरीबों का भला करना, लोगों का दुख बटवाना, लोगों को इनाम से जोड़ना, उनको सीधी राह दिखाना, उनको जुगते बताना, उनको इनाम से जोड़ के उनका भला करना, ये सबसे बड़ा महापुण्य दिलवाता है आपको। तो ये सारे टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करना भी उसी ने सिखाया, सुझाता वही, बुलवाता वही, जो मैं बोल रहा हूं वही बुलवा रहा है, गुरु नानक देव जी महाराज, हरि नारायण, उनकी कृपा है। तो मेरे जैसे बंदे की बाह पकड़ गुरका डिया की ना, अपने यहां मुझे ले आए बापू, यहां खेतों में लाके मुझे बैठा दिया, तो ये बापू के रंग है, बापू ने दया की, कृपा की, मेहर की। तो मेरी अगर बातें होती रही, मुझे इस तरह से ले आया, तो इसलिए इस जन्म में आपको अच्छे कर्म करना, सुमिरन करना, नाम जपना, उसको सुनना, रात को रिपीट पे लगाना इसलिए जरूरी है कि मान लो जन्म में कमी रह गई, तो जैसे मैंने पिछले जन्म में किया हुआ था वो अंकुरित हुआ, तो मेरा यू टर्न लग गया, मुझे ईश्वर ने अपने नाम से जोड़ लिया, वो जाग लगा दी, सूझ दे दी। तो ऐसे ही करते रहिए, जमा तो हो ही रहा है, अब नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा, ये जाया तो जाना नहीं है, ये तो काम आना ही आना है। इसलिए कोई बहाना बना के, कोई एक्सक्यूज देके इससे बचिएगा मत, वो अपने आप से धोखा होगा, अपने आप से छलावा होगा। बस सीधे होकर लग जाइए, जपते रहिए, दूसरों को जपाइए, दूसरों को जोड़िए, ये वीडियो शेयर करिए लोगों के साथ में धड़ाधड़, उनको कन्विंस करिए कि हमारा जीवन बदला है तो आपका ही बदलेगा, अगर वो जुड़ गया तो आपको महापुण्य मिलना शुरू हो जाएगा, वो इस जन्म में भी मिलेगा। अगर मान लो आपने कमाई की है 25%, चाहिए आपको 100%, यहां से 10, वहां से 15, वहां से 20, वहां से 50, ऐसे करके आपका भी 100 पूरा हो जाएगा। मैं इसलिए लोगों से कहता रहता हूं कि लोगों को जोड़िए, तो आपको जपने में कम मेहनत करने से, इस तरह से जब करेंगे तो आपके नंबर पूरे हो जाएंगे और बात बन जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, जीते जी मुक्त हो जाएंगे, और उससे बातें कर लिया करें ईश्वर से। बाकी तो टूल्स जो तरीके में बताता रहता हूं, जो ईश्वर मुझे सुझाते हैं, वो तो इस्तेमाल करिए ही, वो 7 डिवाइन कैप्सूल्स हैं, 10 डिवाइन कैप्सूल्स हैं, वो टूल तो ही है, लेकिन साथ में उससे बताते रहिए, माफिया मांगते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए, ऐसे करते कराते आप हैरान हो जाएंगे, जीवन बदल जाएगा, धन हो जाएगा, जीते जी मुक्त हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों की बात पकड़ में आई और इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, और अगर कुछ लोग इसका प्रयास करते हैं तो मैं ईश्वर को साक्षी जान के कहता हूं कि मैं आप लोगों का आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल,